कर देते हैं। प्राप्त हो सके जैसा केंद्रीय विद्यालय रिक्रूटमेंट की तरफ से सूचना है उसको आज के समाचार पत्रों में दिया गया है। जो केंद्रीय विद्यालय की केवीएस है उसको लगभग 18,000 के लिए पद खाली है जिस पर बम्पर भर्ती आने की तैयारी है और जल्द ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसा कि आपने देखा कुछ दिन पहले वैकेंसी निकाली नोटिफिकेशन है प्राप्त हो रहा जिसमें कि यह कहा गया है कि नोटिफिकेशन जो है इसी सप्ताह जारी हो जाएगा और वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो कि 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किए होंगे। तो इस तरह से सीटेट एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है या तरीका है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब में इंटर कर पाते हैं। इसकी परीक्षा जल्द होने वाली है। वहीं लेखपाल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 12 जनपदों आगरा अलीगढ़ अयोध्या बरेली गोरखपुर झांसी कानपुर नगर लखनऊ मेरठ मुरादाबाद प्रयागराज व वाराणसी में यह परीक्षा आयोजित होनी है 31 तारीख रविवार को 10 से 12 बजे तक। और डिटेल जो जानकारी है वह आज के समाचार पत्रों में भी दी गई है और जो आपका सेंटर है जिस विद्यालय में है वो सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। एडमिट कार्ड में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी बढ़ाई गई है 31 तारीख तक। अगर आप शुल्क जमा करके अंतिम समय तक आप जो है एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा किसी परीक्षा में नहीं हुआ था जैसा कि इसमें दिया गया है। तो यह परीक्षा होने जा रही है और आपको पता है कि 2 डेट इसमें टल चुकी है तो इस वजह से अब यह निश्चित है कि इस तारीख में आपकी परीक्षाएँ हो जाएंगी तो आप तैयारी करते रहें। वहीं पर पर्षदीय विद्यालयों में जो टाइम टेबल है वो बदल गया है। विद्यालय 8 बजे से 2 बजे तक चलेंगे। 8 से 2 विद्यालय टाइमिंग कट गया है। जो भी अध्यापक प्राइमरी और जूनियर के हैं उनके लिए सुविधा हो गई है। अब 8 बजे से 2 बजे तक विद्यालय चलेगा। वहीं अगली जो सूचना आ रही है मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर की आ रही है। परीक्षा पत्र प्रवेश पत्र आज से जो है डाउनलोड होंगे। उसमें पीजी यूजी और डिप्लोमा के जो भी एग्ज़ाम है उनको लेकर के यह सूचना प्राप्त हो रही है कि मुक्त विश्वविद्यालय आज जो है अपने जो ये कार्यक्रम है उसके तहत प्रवेश पत्र जो है जारी करेगा। वहीं अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है प्रदेश में पॉलिटेक्निक में रुझान अभ्यर्थियों का घट गया है। लगभग 54,000 सीटें खाली हैं। पॉलिटेक्निक में पढ़ाई को लेकर के छात्रों का रुझान घट रहा है। प्रदेश में सरकारी अनुदानित जो पॉलिटेक्निक विद्यालय हैं 2022-23 में लगभग 54,000 सीटें उनकी खाली हैं। वहीं सीजीएल से सूचना प्राप्त हो रही है स्किल टेस्ट को लेकर के। स्किल टेस्ट कर्मचारी चयन आयोग SSC CGL का वह जो है शुरू होने वाला है। तो CGL के जो भी अभ्यर्थी हैं जिसका कि टेस्ट में निकला है वो तैयार हो जाएं। 4 से उनका जो है ये टेस्ट होने वाला है। वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक मामले में कोर्ट के आदेश के बाद अब जो है इसमें मामला फिर से तूल पकड़ रहा है। इसमें यह हुआ था कि एक जो है प्रश्न पत्र में एक सीरीज में कुछ क्वेश्चंस गलत थे जिनको लेकर के आदेश जारी हुआ था। देखिए दिया है मूल्यांकन में बुकलेट बी के 22 नंबर का जो प्रश्न है उसमें यह परिणाम मूल्यांकन के बाद यह बात जारी की गई थी कि जो रिजल्ट है वो पुनः संशोधित करके जारी किया जाए। सरकार का कहना है कि मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन पूरी बुकलेट का होगा न कि एक प्रश्न का। सौरव मिश्र समेत आधा दर्जन अभ्यर्थी इसी लेकर के कोर्ट पहुँचे हैं। वहीं ज्वाइनिंग न कराने पर 2 कॉलेज प्रबंधकों को नोटिस दी गई। TGT PGT की परीक्षा के बाद अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के सामने समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। कुछ शिक्षक जो है संस्कृत के अभिकल माध्यमिक शिक्षा से और बहुत से उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है जिससे वो परेशान हैं। उसी को लेकर के दो प्रबंधकों के अगेंस्ट जो है कार्रवाई की गई। 7,686 पदों पर CGL 2021 उसे अब आयोजित करने की जो बात थी वो चल रही है।
केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर 7686 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ने वाली है। इसमें आप देखेंगे कि ओबीसी के 1854 और एसटी के 1204, आर्थिक कमजोर जो वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 897 पद निर्धारित किए गए थे। वहीं पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू चल रहा है उसमें अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर थर्ड बेस क्वेश्चंस हैं। देखिए इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उनमें से है कि अगर आप एसटी जाएंगे तो कुंभ मेले का आयोजन कैसे करेंगे, तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिनका इंटरव्यू है वह इस स्तर पर ध्यान दें और तैयारी करके जाएं। सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।